शुक्रवार देर रात छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में मदनवाड़ा थाना प्रभारी शहीद हो गए हैं, वहीं जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों के पास से एक AK-47, एक SLR और 2 12 बोर की राइफल बरामद हुई है। मुठभेड़ राजनांदगांव के परधौनी इलाके में रात करीब 11 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर मदनवाड़ा थाना प्रभारी अपने जवानों के साथ सर्चिंग पर निकले हुए थे। सर्चिंग पर निकली पुलिस पार्टी और नक्सलियों का देर रात आमना सामना हुआ। इस मुठभेड़ में मदनवाड़ा थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए, वहीं 4 नक्सली भी ढेर हो गए हैं, जिनके शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। मारे गए 4 नक्सलियों पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। कल शाम को 7:30 के आसपास हमको खबर मिली थी कि परदोनी गांव में करीब 8 से 10 लोग, मानपुर मोहल्ला एरिया कमेटी, संयुक्त एरिया कमेटी जो है उसके लोग आए हुए हैं और गांव में खाना बनाने की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। उस पे कोका मदनवाड़ा और मानपुर से जो 3 सब इंस्पेक्टर लोग थे, उन लोगों के नेतृत्व में एक पार्टी निकली थी। तीनों थाने की ज्वाइंट पार्टी थी, टोटल 28 लोग थे उसमें, और मदनवाड़ा से श्याम किशोर शर्मा और कोका थाना से प्रवीण द्विवेदी सब इंस्पेक्टर थाना प्रभारी जो हैं, इनके नेतृत्व में एक टीम गई हुई थी। ये गांव का कॉर्डन लगा रहे थे करीब 9:30 बजे के आसपास, 9:30 बज रहा था। तो गांव के लेफ्ट साइड से जो कॉर्डन श्याम किशोर शर्मा लगा रहे थे, उनकी पार्टी के साथ नक्सलियों की जो पार्टी तब निकल रही थी शायद खाना खा के, उनका आमना सामना हो गया और फायरिंग खुली उन लोगों ने की तरफ से। उसके बाद फिर जवाबी फायरिंग हुई श्याम किशोर शर्मा की पार्टी की तरफ से, तो शुरुआत में 2 नक्सली ढेर हो गए, लेकिन उसी गोलीबारी में उनकी तरफ से श्याम किशोर शर्मा चूँकि कॉर्डन लगा रहे थे और उस समय ओपन पैच में थे, कोई आड़ नहीं थी, तो उनको भी एक बुलेट लगी। थोड़ी देर तक उसके बाद वहाँ से नक्सली भागे जो 7 के आसपास थे उस समय, उस एम्बुश में, जो हमारे एम्बुश में थे वो, तो वो दूसरी तरफ भागे, तो दूसरी तरफ पार्टी जो बैठी थी उसमें से उन लोगों ने 2 लोगों को और मतलब इनकाउंटर किया। थोड़े करीब 40 मिनट तक ये चलता रहा। 40 मिनट बाद फिर हमने जब देखा श्याम किशोर की तरफ, शर्मा की तरफ, हमारी टीम के लोगों ने देखा कि वो कहाँ पर है, तो वो तब तक शहीद हो चुके थे। और फिर उसके बाद सर्च किए, पार्टी रीइन्फोर्समेंट भेजे थे, वो पूरा एरिया सर्च किए, तो 3 बॉडी तो वहीं पे घटना स्थल पे थी, एक बॉडी करीब 50 मीटर और आगे पड़ी थी, जिसको मतलब गोली लगी थी, वो आगे जाके गिर के मरा था। वहीं राजनांदगांव मुठभेड़ पर CM भूपेश बघेल ने शोक जताया है। थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा की शहादत को नमन किया है। राजनांदगांव से न्यूज के लिए भोजेंद्र कुमार वर्मा की रिपोर्ट।